लाभा J66 इसमें एक डिस्प्ले आ रहा है जिसका साइज यहाँ पर है 6.08 इंच और जिसका रिजोल्यूशन HD+ है। फोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे एंड्रॉयड 10 देता है, ठीक है। और ये जो एंड्रॉयड 10 है ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ जुड़ा हुआ है। स्टोरेज के साथ मैं आता हूँ, यहाँ पर आप लोग 3GB का रैम पाओगे, उसके साथ 32GB का इंटरनल स्टोरेज में पीछे में एक 13MP कैमरा देगा और 5MP कैमरा, दो कैमरा है। और इसमें आप 4x जूम भी कर सकते हो ताकि जो वीडियो या फोटो हो वो आप बहुत दूर से कैप्चर कर सकते हो। और इसमें भी स्लो मोशन टाइमलेस भी दिया गया है और इसके अंदर भी एक फ्लैश भी दिया है। फ्रंट कैमरा के अंदर भी यहाँ पर सही है, एक 13MP का कैमरा है और यहाँ पर एक फ्लैश भी दिया है। यहाँ पर 4G वोल्टी भी मिलता है, सनलक भी है और यहाँ पर 4000mAh बैटरी है। ओके, तो इसका प्राइस है 7377 रुपीज। नेक्स्ट रियलमी नार्जो 50i, इसका डिस्प्ले 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले है। इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड है एंड इसमें ऑक्टा कोर दिया गया है। स्टोरेज यहाँ पर 2GB का रैम और 32GB का इंटरनल स्टोरेज। दोस्तों इस फोन के अंदर पीछे में 8MP का एक कैमरा मिलेगा और 5MP का एक सामने कैमरा मिलेगा। और 8MP का जो पीछे कैमरा है उसमें आप 4x जूम भी कर सकते हो। तो नेटवर्क कनेक्टिविटी के अंदर 4G वोल्टी तो आ रहा है और फेस अनलॉक भी है इसमें, लेकिन इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। तो दोस्तों सिर्फ आप फेस अनलॉक करके फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। और इसका बैटरी 5000mAh का एक मैराथन बैटरी भी है जो आप लोग डे टू डे अगर आप यूज़ करते हो तो 2 दिन आप चला सकते हो उसमें। इसका प्राइस है 7500 रुपीज़। नेक्स्ट यहाँ पर इन्फिनिक्स स्मार्ट 6, इसका डिस्प्ले 6.6 इंच का HD+। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड 11 बेस्ड है, क्वाड कोर बेस्ड है एंड मीडियाटेक हीलियो A22। अगर ये ऑक्टा कोर होता तो ज़्यादा सही होता, लेकिन प्राइस थोड़ा कम है इसीलिए क्वाड कोर है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 2GB का रैम मिलता है और 64GB का इंटरनल स्टोरेज। 8MP का एक पीछे में कैमरा मिलेगा, उसके साथ एक डेप्थ लेंस भी मिलेगा ताकि जो फोटो है आप बेहतर मतलब यहाँ पर कैप्चर कर सकते हो पोर्ट्रेट के साथ। फोन के अंदर जो फ्रंट कैमरा है उसमें 5MP का एक कैमरा दिया गया है और दोनों कैमरा पे आप फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसमें टाइम लैप्स भी ऑप्शन है और दोनों कैमरा के साथ आपको फ्लैश मिलेगा। फ़ोन के साथ 4G वोल्टी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, फेस अनलॉक भी है और यहाँ पर आप OTG भी सपोर्ट अवेलेबल है। दोस्तों इसका बैटरी भी काफ़ी सही है, मतलब 5000mAh का बैटरी है और इसका प्राइस है 7300 रुपीज़। नेक्स्ट यहाँ पर Redmi 9A Sport, Redmi 9S Sport, इसका डिस्प्ले 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर Android 10 है, थोड़ा बैकडेटेड है, 11 होता तो अच्छा होता, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पर MI UI का 12 है जो कि काफ़ी देर बाद 13 अपडेट आ सकता है। प्रोसेसर यहाँ पर MediaTek का ऑक्टा कोर G25, तो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। मैंने जो सारी फोन बताया तो सबसे सही जो प्रोसेसर है वो Redmi 9A Sport के अंदर भी है। 2GB का रैम मिलेगा, 32GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। इस फोन के अंदर पीछे में 13MP का एक कैमरा मिलेगा और फ्रंट में एक 5MP का कैमरा है। 4G वोल्टी के साथ आप इस फ़ोन यूज़ कर सकते हो और इसमें फेस अनलॉक भी है, लेकिन इसमें फिंगरप्रिंट का कोई सेंसर नहीं है। इसमें भी 5000mAh का एक पावर मैराथन बैटरी है और 10W का फास्ट चार्जिंग भी है। दोस्तों इसका प्राइस है 7000 रुपीज़। ये चार स्मार्टफोन के अंदर आप कोई भी स्मार्टफोन ले सकते हो। आप कमेंट करके बताओ ये चार के अंदर आपको सबसे अच्छा कौन स्मार्टफोन लगा। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।